तो भाई जिस तरह जो वीडियो मेरे पर बनवाई गई मैंने थोड़ी थोड़ी बनवा दी है, क्लिप थोड़ी सी क्लिप है। आ गया हमारे घर भी राम मंदिर का बुलावा और आ गया साथ में अक्षत भी। घर में बड़न का जिक्र गया क्या करा था? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो जी, राम राम सारा नर, मैं स्वागत करूँ आप सबका हमारे कुरने व्लॉग में। उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारा न्यू वाला व्लॉग देख रहे होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं भैया अपने घर पर व्लॉग में। आपने काफ़ी दिन हो गए होंगे हमने देखते देखते, न्यू में बाहर अंड लग रहे हैं हम क्यों बाहर चक्री काट रही है उस दिन के लिए। राम राम कर दे, राम राम दे बेचारी। कई दिन हो गए भैया हमने बाहर अंडता ना, तो ये बात आखिरकार हम घर पर आकर टिक गए हैं, अपने वापिस अपने काम पर लग गए हैं। टाइम हो रहा है साढ़े डेढ़ बज रहा भाई, साढ़े डेढ़ बज रहा है भाई। तो कपड़े कपड़े धो कर निपटे हैं, सारा काम हो गया वहाँ गंडे भी फट गए। तो भाई मोहित जा रहे हैं ऑफिस में, उनके आए पास है मिलवा देंगे उनते भी। आपने जब तक जो व्लॉग होगा मैं आप तो दिखा दे जाऊँगे, अपना व्लॉग करेंगे कंटिन्यू आपके साथ। और सक्रांत वाली सीरीज भैया आपने किसी लागी वा भी जरूर बताइए कमेंट करके ना। अगर आपने अब तक वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो सारे व्लॉग। और बताइए भैया आपने कौन सा व्लॉग सबसे अच्छा लग गया, और किस तरह बहुत दिन के बाद मिले हो जो रिलेटिव्स हैं वो बताना भाई, किस तक कितने दिन के बाद मिले हो और ब्लॉग देख कर किसा लग गया वो भी जरूर बताइए कमेंट में। तो इब कुछ नहीं है, ठहले ही बैठे हैं अपना, तो आगे करेंगे ब्लॉग कंटिन्यू आपके साथ, दिखाते जाऊंगे कि कुछ रहेगा। तो मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर के बाद। इसके बाद भाई मोहित चले गए थे बाहर, तो हमने आगे ब्लॉग ना बनाया। तो भाई नेक्स्ट डे का ब्लॉग फिर से दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ। पहले वाले दिन के हमारे पास यही क्लिप थी, मोहित बाहर चले गए थे, उसके बाद भाई मतलब मैं काम में ही कंफ्यूज हो गई, पानी भी आ रहा था, पानी भी भरना था, तो मैं ब्लॉग ना बना पाई आपके साथ। तो इसके साथ इस व्लॉग के साथ मैं आपके नेक्स्ट डे का ब्लॉग शेयर करती हूँ, वो देखो अब आप। जी राम राम सारा नर, मैं स्वागत करूँ आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करें आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारा न्यू वाला व्लॉग देख लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे भाई हम कहाँ जा रहे हैं, तो आज है कलश यात्रा और मेरे को जाना है उसके लिए। तो भाई मेरा फ़ोन आ रखा है, अभी नीचे ही खड़े हैं सब, आगे का व्लॉग बाद में कंटिन्यू करेंगे आपके साथ। एक बार मैं चली जाती हूँ फिर दिखाऊंगा आगे का व्लॉग। हाँ जी भाई, सुबह मैं आप जल्दी जल्दी मैं बताना ही भूल गई थी कि पूरी क्या बात थी। तो भाई आज मंदिर में उठना था कलश, और अभी ख़त्म हो गया है वो प्रोग्राम सारा। एक दो वीडियो छोटी छोटी सी क्लिप बनी है भाई, क्योंकि मेरे साथ ना मोहित थे ना मम्मी थी। तो भाई जिस तरह जो वीडियो मेरे पर बनवाई गई मैंने थोड़ी थोड़ी बनवा दी है, क्लिप थोड़ी सी क्लिप है, इस वीडियो के बाद लगा दूंगी मैं, पहले आप वो क्लिप ही देख लो। ये देख लो भाई, ये वो रखी है स्टार्ट यहाँ पे कलश यात्रा, और सब चल रहे हैं तैयारी में हैं अभी, मतलब खड़े हैं वेट कर रहे हैं अंदर से, जब पंडित जी बोलेंगे तब चलेंगे। तो सब खड़े हैं वेट में अपना कलश लेके, और ये मैं भी खड़ी हूँ। ये वीडियो भाई मैं एक लड़की से बनवाई थी, तो बस जो क्लिप बनी मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सब भी कमेंट में लिख देना जय श्री राम, और अब यात्रा स्टार्ट होने वाली है। प्राण प्रतिष्ठा भी होगी भाई 22 तारीख को राम जी की, और सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति आई है यहाँ पे। तो अब चल पड़े हैं भाई, और ये देख लो सब डांस भी कर रहे हैं। तो अब यही क्लिप थी भाई मेरे साथ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो अब घर जाके मिल। तो भाई ये देख लिया आपने क्लिप, बस यही क्लिप थी मंदिर में भाई, आज कलश उठाना था वो प्रोग्राम था। तो जल्दी जल्दी मैं सुबह रेडी होकर चली गई थी, बड़ी मुश्किल से रेडी होकर गई थी। अभी टाइम हो गया है 4 बज गए हैं, मोहित वापस आकर दोबारा चले गए फिर तो ऑफिस में। मम्मी बैठी है भाई यहाँ नीचे, और ये देख लो तिलक भी भाई वहाँ मंदिर में ही लगा था। और कलश अभी भाई उन्होंने बोला है कि 22 जनवरी को मिलेंगे, तो उस तब तक उस दिन भी हवन होगा। अगर गए वहाँ पे तो मैं आपको आगे का व्लॉग भी दिखा दूंगी वहाँ पे। अभी कर लेती हूँ मैं फटाफट कपड़े चेंज, आज ये वाली साड़ी पहनी थी भाई फुल लुक में, एक बार आपको दिखा देती हूँ, कहीं फ़ोन रख के दिखाना पड़ेगा भाई मेरे को। ये देख लो भाई, ये है फुल लुक साड़ी का, बता देना मेरे को भाई कमेंट करके कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये साड़ी पहन के गई थी भाई, उन्होंने येलो कलर का थीम रखा था,
कलश उठाने वाले, मतलब जब कलश उठाते हैं तो बोलते हैं कि येलो कलर पहनना चाहिए, तो मेरे पास येलो कलर में ये साड़ी थी तो मैंने ये पहन ली। आप बता देना मेरे को कमेंट करके कैसी लग रही हूँ मैं। तो अब भाई ठंड लग रही है, स्लीवलेस है, ऑब्वियसली बात है ठंड तो लगेगी। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ कपड़े चेंज और उसके बाद आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और आज अभी तक मेरा व्लॉग भी अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि एडिटेड नहीं था व्लॉग। तो अभी मैं जल्दी से एक बार कपड़े चेंज करके चाय बना के फिर व्लॉग एडिट करने बैठ रही हूँ और फिर आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। तो फटाफट कर लेती हूँ मैं कपड़े चेंज और फिर मिलेंगे गाइस थोड़ी देर के बाद। गर्मा बड़न का जिक्र गया, क्या कर रहा था क्यों करके रह गर्मा बड़न ने जी वो पड़ोस में गया है और किस जगह भाई क्यों मम्मा का धंधा ना बड़ा धंधा छोरी का धंधा पड़ोस का भी तो उठाया ये के ले रहा है स्कूल में एडमिशन कराना तेरा हां करा क्या मैं छोटी फार्मी बोल के राज लता प्ले एंड पब्लिक स्कूल राज लता नाम है स्कूल का है कि थियो एक बार पूछो कर देवा आज तू सारा नाटक काट दिया कै दिन हो गए ना ये पागल है तू सुना था क्यों ना कर लेना ये नाम वही जोड़ना जाना था मैं बात कर रहे थे भाई ऐसे तो ये देख लो ये आए भाई हमारे पास राम मंदिर का बुलावा आ गया है और अयोध्या से अक्षत भी आए हैं देख लो आप सब ये मिला है हमें अयोध्या जी मतलब राम मंदिर का फोटो है और ये जो डिटेल्स है राम मंदिर के बारे में और अक्षत आए हैं। तो भाई अब जब ये घर पे देने आए थे तब हम वीडियो नहीं बना पाए बट मोहित उनके साथ गए थे और जो यहाँ पे घर हैं उनके घर पे सबको दिलवा के आए थे वो जो मेन भाई घर है वहाँ पे। तो भाई ये उनके घर पे जब अक्षत आए थे तो मोहित ने ये वाली वीडियो बनाई थी तो देख लो अब आप ये पूरी क्लिप। भाई ये अयोध्या में तो 22 तारीख को राम दरबार की मूर्ति प्रतिष्ठापना होगी राम लला की, उस उपलक्ष्य में हम अपने घर में भी दिवाली मनाएं और अपने नज़दीकी मंदिर में भी जाके दिवाली मनाएं और हमारी कॉलोनी में हर मंदिर में कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं मूर्ति प्रतिष्ठापना हो रही है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कलश यात्रा। तो आपको इस एक महादिवाली की तरह 500 साल में हमने ये दिन देखा है, कई जनरेशन हमारी गुजर गई तो 500 साल में देखा है, तो इसको महादिवाली के रूप में मनाएंगे 22 तारीख को अपने घर में अपने पड़ोस में अपने बगल में मिठाइयाँ बांटेंगे धूमधाम से पूरे देश में मनाएंगे इस उत्सव को। और ये जो अक्षत आए हैं ये अयोध्या से आए हैं आपके पास में और उसी हिसाब से इनको अन्न भंडार में या फिर मंदिर में रखना है। पूजित अक्षत ये बिल्कुल भगवान आपको बरकत देगा बिल्कुल आपका। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बढ़िया जाकर मार दे भाई साहब एक बार। जय श्री राम, 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 जय करो पीर बजेंगे। भाई हमने एक नवीन प्लेस एकता मंच का एक ग्रुप बना रखा है, मैं उस ग्रुप में आप दोनों ऐड कर लूं। कर दो। उसमें हम सर्विस देते हैं रोड नाली बिजली पानी की कोई समस्या। आज का व्लॉग करते हैं भैया यहीं पे एंड, कल फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे।